हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर अप करेंगे ग्रुप नंबर 15। हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। अब तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 को कवर अप कर लिया था। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 को पिनाकोजेंस भी कहा जाता है। एंड जो ग्रुप नंबर 15 के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर हैं आपके पांच एलिमेंट्स। नंबर 1 इज नाइट्रोजन, नंबर 2 इज फॉस्फोरस, नंबर 3 इज आर्सेनिक, नंबर 4 इज एंटीमनी एंड नंबर 5 इज बिस्मथ। नाइट्रोजन को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। 78% ये मिलता है एयर के अंदर। फास्फोरस की बात की जाए तो ये एपेटाइट फैमिली का मेंबर है। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटालिक होते हैं जबकि बिस्मथ बीआई मेटल होता है। पिनाकोजेन एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है जिसके अंदर ग्रीक के अंदर वर्ड है पैनिजीन एंड उसी से ये वर्ड बनाया गया है पिनाकोजेन जिसका मतलब होता है टू चोक, रेफरिंग टू द चोकिंग ऑफ स्टिफिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको गिवन है। जैसे कि NaNO3 को कहा जाता है चिले सॉल्ट पेपर, आपको याद रखना है चिले सॉल्ट पेपर कहा जाता है NaNO3 को। वहीं अगर KNO3 की बात की जाए तो उसे कहा जाता है इंडियन सॉल्ट पेपर। NaNO3 इज चिले सॉल्ट पेपर वाइल KNO3 इज नोन एज इंडियन सॉल्ट पेपर। एपेटाइट फैमिली की अगर बात की जाए तो एपेटाइट एक मेंबर है फॉस्फोरस फॉस्फेट मिनरल्स का। इस एपेटाइट फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि होता है Ca3PO4 whole 6 dot CaX2। एपेटाइट फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा ये। वहां पे केवल आपका X की जगह हेलोजन एटम आके अटैच हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए फ्लोर एपेटाइट की तो फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला बनता है Ca9PO4 whole 6 CaF2। यहां पे जनरल फॉर्मूला जो होता है एपेटाइट फैमिली का वो Ca3 होता है PO4 6 dot CaX2। लेकिन फ्लोर एपेटाइट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर आपका जो फॉर्मूला आता है जो कैल्शियम के एटम्स होते हैं वो होते हैं Ca9PO4 whole 6 CaF2। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल आर सॉलिड्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़ के सभी मेंबर्स ग्रुप नंबर 15 के सॉलिड हैं। ऑल शोज एलोट्रोपिज, एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स शो करते हैं। वहीं ऑल आर पॉली एटमिक और सारे मेंबर्स पॉली एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ग्रुप नंबर 15 के केस में। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डेंसिटी। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं एक ग्रुप के अंदर तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। नाइट्रोजन से जैसे ही आप बिस्मथ की तरफ बढ़ जाएंगे तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती जाएगी। थर्ड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 15 एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करता, इसीलिए आपको ये ऑर्डर बहुत अच्छे से याद रखना है। और वहीं पे सेम है बॉइलिंग पॉइंट के केस में, यहां पे भी एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता। जब आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे ऑर्डर देखेंगे तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अंदर फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फॉस्फोरस से आर्सेनिक का ज्यादा होगा। मतलब नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक तो एक रेगुलर ट्रेंड होगा मेल्टिंग पॉइंट का, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में एक इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रोजन से लेके एंटीमनी तक
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको ये ऑर्डर्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की अगर बात की जाए तो जनरल फॉर्मूला है NS2NP3। एन जहां पे एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर बात की जाए तो टॉप टू बॉटम एना ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। सेवेंथ पॉइंट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप नंबर 15 के केस में IE1 का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है, नाइट्रोजन से बिस्मत की तरफ जाने पे IE1 आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 जो होती है वो डिक्रीज करती चली जाती है, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 और 3 की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन से लेके एंटीमनी तक तो वो डिक्रीज करती है और बिस्मिथ के केस में वो इंक्रीज करने लग जाती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये आपका ऑर्डर है इन केस ऑफ IE1 और ये आपका ऑर्डर है इन केस ऑफ IE2 एंड IE3। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से लेके एंटीमनी तक डिक्रीज करती है और एंटीमनी और बिस्मिथ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए अगर इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 15 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखी जाती है ग्रुप नंबर 15 के केस में वो होती है +5 +3 एंड -3। नाइट्रोजन जो होता है वो +1 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विद ऑक्सीजन, जबकि फॉस्फोरस जो होता है उसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई नहीं जाती, वहां पे केवल +1 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ शो की जाती है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करती है, जबकि आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं करते इन केस ऑफ एसिडिक रिएक्शन। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द कोवेलेंसी। कोवेलेंसी की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो है 4। आपको याद रखना है नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम कोवेलेंसी जो आती है वो आती है 4, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स के अंदर ये चली जाती है 6। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोवेलेंसी का कि नाइट्रोजन के मैक्सिमम कोवेलेंसी है 4 एंड रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स की जो कोवेलेंसी है वो है +6। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जब भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो E2O3 या फिर E2O5 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पे E क्या है, यहां पे E आपका शो कर रहा है एलिमेंट को। एसिडिक नेचर की अगर बात की जाती है E2O3 या E2O5 के केस में तो E2O5 का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं P2O3 एंड P2O5, तो P2O3 और P2O5 के अंदर P2O5 का जो एसिडिक नेचर होगा वो ज्यादा होगा। यहीं पे आपको ये बताया गया है N2O3 एंड P2O3 आर एसिडिक। ये जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यहां पे जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का E2O3 के कंपाउंड्स बने तो वो एसिडिक हैं, वहीं पे एंटीमनी एंड आर्सेनिक के जो कंपाउंड्स हैं इन केस ऑफ E2O3 वो एम्फोटेरिक है एंड बिस्मिथ का जो कंपाउंड है Bi2O3 वो बेसिक है।
आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि N2O3 एंड P2O3 आर एसिडिक, AS2O3 एंड SB2O3 आर एम्फोटेरिक, वाइल Bi2O3 इज बेसिक। आपको ये भी पता है डाउन द ग्रुप जैसे ही आप मूव करते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज करने लग जाती है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे ही आप E2O3 के कंपाउंड्स देख रहे हैं इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 15, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंपाउंड एसिडिक होगा, एंटीमनी एंड आर्सेनिक का कंपाउंड एम्फोटेरिक होगा, जबकि Bi2O3 का कंपाउंड बेसिक होगा। अब अगर बात की जाती है E2O5 टाइप के कंपाउंड की, तो E2O5 के कंपाउंड में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक का जो कंपाउंड होगा वो एसिडिक होगा, एंटीमनी का कंपाउंड एम्फोटेरिक होगा, जबकि बिस्मिथ का जो कंपाउंड होगा Bi2O3 एंड Bi2O5 दोनों ही बेसिक होंगे। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। टू टाइप्स ऑफ हेलाइड्स आर फॉर्म्ड, दो टाइप के हेलाइड्स पाए जाते हैं। नंबर वन इज EX3 टाइप एंड नंबर टू इज EX5 टाइप। ई यहां पे वही एलिमेंट शो कर रहा है, ई की जगह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप ग्रुप नंबर 15 का। जब भी अगर हमें EX5 का कंपाउंड दे रखा है एंड EX3 का कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर अगर हमसे कोवेलेंट नेचर पूछा है कि किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, तो EX5 टाइप के कंपाउंड का कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑल EX3 आर स्टेबल, सभी EX3 टाइप के हेलाइड्स स्टेबल होंगे एक्सेप्ट NCl3, NBr3 एंड NF3, और ऑल EX3 आर कोवेलेंट, सभी EX3 टाइप के कंपाउंड्स कोवेलेंट होंगे एक्सेप्ट BiF3। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जितने भी आपके एक्सेप्शन केसेस आ रहे हैं वो सब हम लोग कवर अप करते जा रहे हैं। आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, एंड आई रिपीट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही है, तो आपको अच्छे से एक जगह ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाना है। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। जब भी आप ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको EH3 टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है ये आपका NH3 टाइप है, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। जैसे ही आप NH3 से BiH3 की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है एंड बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाता है। यहां पे आपको इस एक पॉइंट के अंदर, इस एक सीरीज से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रीड आउट करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन केस ऑफ EH3 टाइप हैलाइड्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में, जैसे ही आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। NH3 का मेल्टिंग पॉइंट उसके पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा होता है, जबकि BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। विद मेटल्स दीज एलिमेंट फॉर्म्स नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स, आर्सेनाइड्स, एंटीऑक्साइड्स, बिस्मिथाइड्स रेस्पेक्टिवली। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। आई होप अब आपको क्लियर होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। तो अब देखते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। अभी हम इस लेक्चर के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फास्फोरस के कंपाउंड्स देखेंगे। तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हम देखने वाले हैं वो होंगे नाइट्रिक एसिड, फॉस्फीन एंड फॉस्फोरस हैलाइड। हम अगले लेक्चर के अंदर फास्फोरस के कुछ एलोट्रॉप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 का पहला कंपाउंड देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड।
नंबर वन इज नाइट्रिक एसिड, जिसे जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड वॉज अर्लियर कॉल्ड एज एक्वा फोर्टिस। आपको याद रखना है नाइट्रिक एसिड को सबसे पहले कहा जाता था, पहले के टाइम में कहा जाता था एक्वा फोर्टिस, और इसे स्पिरिट ऑफ नाइटर भी बोला जाता है। इसे एक्वा फोर्टिस क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग वाटर। इट यूजुअली एक्वायर्स येलो कलर। ये यूजुअली कौन सा कलर एक्वायर करता है? येलो। ड्यू टू इट्स डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट इनटू NO2। HNO3 के ऊपर जैसे ही सनलाइट आती है तो ये येलो कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है NO2 के अंदर। आपको ये चीज याद रखनी है। एंड ये जो आपका HNO3 है, ये हाईली कोरोसिव मिनरल एसिड भी है। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन मेटल्स कन्वर्टेड इंटू हाइएस्ट ऑक्सी एसिड्स बाय हॉट एंड कंसेंट्रेटेड HNO3। NO2 गैस इज इवॉल्व्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट नॉबल मेटल्स आर अटैक्ड बाय HNO3। ये पॉइंट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे मेटल्स एक्सेप्ट नॉबल मेटल्स आर अटैक्ड बाय HNO3। काफी सारे मेटल्स की रिएक्शन कराई जाती है HNO3 के साथ। इट प्लेज डबल रोल इन द एक्शन ऑन मेटल्स, दैट इज इट एक्ट्स एज एन एसिड एज वेल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 आपका एसिड की तरह भी बिहेव कर जाता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। अब आपको इस टेबल के अंदर कुछ चीजें दिख रही हैं, जैसे आपको कंसेंट्रेशन बताई हुई है नाइट्रिक एसिड की। अगर HNO3 काफी ज्यादा डाइल्यूट है तो अगर आप उसके मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि वेरी डाइल्यूट HNO3 के केस में अगर आप मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको मेटल नाइट्रेट और H2 गैस का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। वहीं आप डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं आयरन और जिंक की, तो N2O गैस प्लस मेटल नाइट्रेट बनता है। वहीं अगर आप वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ Fe और Zn की रिएक्शन कराते हैं तो NH4NO3 प्लस मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। ये टेबल आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस टेबल की मदद से सॉल्व हो जाएंगे जब आपकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये टेबल अच्छे से याद कर लें, इस टेबल को अच्छे से पढ़ लें। ये टेबल आपकी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फॉस्फीन। फॉस्फीन का फॉर्मूला है PH3। प्रिपरेशन मेथड की अगर बात की जाए तो फॉस्फीन के आपको दो प्रिपरेशन मेथड दिख रहे हैं, जहां पे Ca3P2 के साथ H2O की रिएक्शन कराई गई है एंड PH4I के साथ एक अल्कलाई एक बेस की रिएक्शन कराई गई है NaOH की। ये आपके प्रिपरेशन मेथड है, लेबोरेटरी मेथड आपको दिख रहा है ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है अच्छे से। फॉस्फीन आपका एक कलरलेस कंपाउंड है। प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, इसकी स्मेल होती है गार्लिक या फिर रॉटन फिश की तरह। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किस कंपाउंड की स्मेल रॉटन फिश की तरह होती है, गार्लिक लाइक स्मेल होती है, तो वो होती है आपकी PH3 की, फॉस्फीन की। ओके, एंड प्योर फॉस्फीन इज ऑर्डरलेस। जो प्योर फॉस्फीन होता है वो ऑर्डरलेस होता है, उसकी स्मेल नहीं होती। एंड दिस फॉस्फीन इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वॉटर एंड स्लाइटली हैवियर देन एयर। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी आपको कुछ रिएक्शंस दिख रही हैं, जैसे PH3 को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको P2O3 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। PH3 को जब हीट किया जाता है 713 केल्विन टेम्परेचर पे तो P4 बनता है। ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी जा चुकी है। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉस्फीन। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस फॉर्म्स टू टाइप ऑफ हैलाइड्स, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फॉस्फोरस
पेंटाहेलाइड, PX3 टाइप एंड PX5 टाइप। एक्स की जगह आपको पता है हेलोजन एटम आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। प्रिपरेशन मेथड की अगर बात की जाए PCl3 एंड PCl5 की, तो जैसे ही आप P4 को 6Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको 4PCl3 मिलता है। वहीं आपको प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं कि आप PCl3 को जब रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या क्या फॉर्मेशन होता है। ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये आपकी PCl3 की रिएक्शन है एंड ये आपके PCl5 की रिएक्शन है। PCl5 की अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज PCl4+ एंड PCl6-। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से लर्न करना है कि सॉलिड स्टेट के अंदर PCl5, PCl4+ एंड PCl6- की फॉर्म में रहता है। इट सबलिम्स ऑन हीटिंग, ये सबलिमाइज हो जाता है, उड़ जाता है ऑन हीटिंग। PCl5 को जैसे ही आप हीट करेंगे तो PCl3 प्लस Cl2 के फॉर्म में इसका डिसोसिएशन होगा। वहीं पे अगर आप PCl5 को H6O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका, सॉरी ये H2O होगा, जैसे ही आप इसको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो POCl3 प्लस 2HCl बनता हुआ नजर आएगा। और फिर इसके ऊपर आप जब H2O का रिएक्शन कराएंगे तो H3PO4 एंड 5HCl का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ये स्ट्रक्चर्स, PCl3 के स्ट्रक्चर एंड PCl5 का स्ट्रक्चर। आपको PCl3 और PCl5 के स्ट्रक्चर्स, इनका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। इनके केस में लोन पेयर्स आपको आपको पता होने चाहिए। इनका बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए, जो कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर चुके हैं कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एंगल्स का पता कैसे करेंगे, ये सब बातें। नाउ आई होप अब आपको क्लियर होगा ग्रुप नंबर 15 के बारे में। ये ग्रुप नंबर 15 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसके बारे में कुछ चीजें और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारा Facebook पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। और अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो प्लीज आप हमें मेल कीजिए tanejaneha@gmail.com और आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। नाउ यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप CSIR नेट UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को जरूर फॉलो कीजिए। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ओवर देयर। यहाँ पे अगर आप अन अकेडमी पे नेहा तनेजा मैम को फॉलो करते हैं, उनकी पेड क्लासेस लेते हैं, तो आपको वहां पे डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिलते हैं, आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अरेंज होती हैं वहां पे, एंड आप एक सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड पेड क्लासेस के बारे में भी बताया गया है। एंड जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस लेंगे तो आप प्लीज यहाँ पे नेहा तनेजा या फिर NEHA रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया आज के लेक्चर के बारे में। थैंक यू।